हेलो स्टूडेंट, सो माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, इसके अंदर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस पर बेस्ड है, जेई 2007 से जेई 2018 के क्वेश्चन पेपर्स से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्लास ट्वेल्थ का वेटेज ज़्यादा होता है, ये जो हमारा एडवांस का जो पेपर है इसके अंदर। तो ये 2010 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कुछ हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है अगेन 2010 से ही स्टार्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस रह गए। तो ये थर्ड वीडियो के अंदर मैं जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है और ये है, कॉम्प्लेक्स शोइंग ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.8 बोर मैग्नेटोन इज। तो ये निकल के कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो उसमें यहाँ पे ए और सी को अगर आप देखेंगे तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बोनिल और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में आएंगे, और निकल का जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो वो डायमैग्नेटिक ही होगा, उसमें जीरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए ही बात हो रही है ये, और वीक फील्ड लिगेंड के साथ अगर होगा तो फिर ये जो है टेट्राहेड्रल होंगे और उसके अंदर जो है हमारे पास में कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सो 5, 6, 7, 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो नियरली 2.82 बोर मैग्नेटोन के करीब आ जाता है। तो इस ऑप्शन में जो बेस्ट चॉइस हमें नज़र आ रही है वो ऑप्शन बी में गिवन है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा होगा कि आप निकल के कॉम्प्लेक्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी एक लिस्ट बना के रखिए, इनको रिवाइज करिए कि इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, इसमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है, कौन से डायमैग्नेटिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं इन लिगेंड्स के साथ स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्सेज ऑफ निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स अमंग दी फॉलोइंग इज। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, डाइप्रोटिक एसिड आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से डाइप्रोटिक एसिड्स होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो ट्राइप्रोटिक होता है, डाइप्रोटिक नहीं है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये डाइप्रोटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा डाइप्रोटिक की कैटेगरी में आएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे, तो एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। H3PO3 को अगर देखोगे तो इसके पास तीन हाइड्रोजन एटम है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन से अटैच्ड नहीं है, दो ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे तो ये भी डाइप्रोटिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। H2CO3 को अगर हम देखेंगे तो ये भी डाइप्रोटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। H2S2O7 जो है ये भी हमारा डाइप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में आएगा, और H3BO3 को अगर देखेंगे तो ये तो प्रोटिक एसिड ही नहीं है, है ना, बोरिक एसिड इज नॉट प्रोटिक एसिड, तो उसको डाइप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस इज नॉट प्रोटिक एसिड, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। H3PO3 को अगर हम देखेंगे तो ये मोनोप्रोटिक है, एक ही H+ आयन देगा, तो इसलिए इसको भी हमें कंसिडर नहीं करना है। H2CrO4 को अगर देखेंगे तो ये डाइप्रोटिक होगा, क्रोमेट सॉल्ट, और H2SO3 लाइक H2CO3 इज ऑल्सो डाइप्रोटिक। तो ये आपके पास में 6 जो है हमारे पास में डाइप्रोटिक एसिड्स नजर आ गए और आंसर भी 6 ही आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स RHCl CO PH3 NH3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको ढूंढना है, तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा तभी उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। सो रिमेंबर कि अगर हमारे पास में PT2+ है, PD2+ है, AU3+ है या Rhodium+1 है, इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो इनवेरिएबली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, तो किसी एक के अपोजिट अगर हम दूसरे को प्लेस करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना, Cl के अपोजिट CO हो सकता है, Cl के अपोजिट PH3 हो सकता है, Cl के अपोजिट NH3 हो सकता है, ये 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, विच इज आंसर इज ऑल्सो 3। नाउ एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है और इसके अंदर कह रहा है, ऑल द कंपाउंड्स लिस्टेड इन कॉलम 1 रिएक्ट विद वाटर, मैच द रिजल्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव रिएक्शंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस लिस्टेड इन कॉलम 2। तो ये सब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं रिएक्शंस मेंशन कर देता हूँ कि इनकी वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम इसको मैच कर लेंगे।
तो देखिए हमारे पास में ये जो है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है, तो डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को आप वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सिलिकन के जो क्लोराइड्स हैं वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 SI CH3 and OH प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में जो है वो +2 HCl बन जाएंगे। ज़िनॉन का टेट्राफ्लोराइड है, तो ज़िनॉन के फ्लोराइड जो हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इन सम केसेस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, और ये जो ज़िनॉन अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसको वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट होगा XCO3, XCO2 and HF। तो XCF4 से 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होते हैं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। Cl2 को अगर आप देखेंगे तो Cl2 वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और इसका प्रोडक्ट HCl एंड HOCl आ जाएगा। VCl5 को अगर हम देखेंगे तो VCl5 जो है वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं होगा ड्यू टू दी वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ये ऑक्सो क्लोराइड्स जो है प्रोड्यूस करेगा, तो ये VO2 Cl बन जाएगा, ऑक्सो क्लोराइड। तो इसके अंदर जो है हम इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि VO2+ जो है और Cl- ये ऐसे ऑक्सो क्लोराइड्स बनते हैं। जैसे आप लोग ये ग्रुप 15 के अंदर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं क्लोराइड्स, जैसे आर्सेनिक क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड, स्पेशली आर्सेनिक क्लोराइड और बिस्मथ क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सी क्लोराइड्स बनते हैं, तो उस टाइप से इससे भी ऑक्सी क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास में हमने देख लिया यहाँ पे। तो अब इसके अंदर ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म हो गया, सब में हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन, सारी रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। एक तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ये अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। रिएक्ट्स विथ ग्लास, अब ये ग्लास के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ग्लास के साथ सिर्फ HF रिएक्ट करता है और कोई रिएक्ट नहीं करता है। SiO2 होता है ग्लास, तो HF सिलिक ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ग्लास के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट्स जो है सिलिकेट्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, SiF4 बना लेगा। पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो है वो सिर्फ इसी का पॉलीमराइजेशन हो सकता है और किसी का पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे और कोई पॉलीमराइज जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, सिलिकॉन्स प्रोड्यूस कर लेगा और ये हमारे पास में जो HF है दैट रिएक्ट्स विथ ग्लास और ये दोनों जो है वो हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये जो है रिएक्शन आ गई रिडॉक्स रिएक्शन। O2 फॉर्मेशन सिर्फ एक ही रिएक्शन में है और वो इस रिएक्शन में, और किसी रिएक्शन के अंदर O2 फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अब आप चेक कर सकते हैं किसका आपका जो है आंसर क्या होगा। तो हम देखें लिस्ट बना लेते हैं। ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो पी करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिएक्ट्स विद ग्लास नहीं है, पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये एस आ जाएगा। बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में जो है हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन भी आ रहा है एंड रिएक्ट्स विद ग्लास भी आ रहा है, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, O2 फॉर्मेशन नहीं होगा। सी ऑप्शन को अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे तो सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन होगा और रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा, रिएक्ट्स विद ग्लास नहीं है, पॉलीमराइजेशन नहीं है, O2 फॉर्मेशन नहीं होगा। ना O2 फॉर्मेशन यहाँ पे
जो है थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ये HOCl जो है डिकम्पोज हो जाएगा. HOCl इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होगा. डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो डी ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज P. रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिएक्ट्स विद ग्लास नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा और O2 फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं होगा. तो ये मेरे हिसाब से जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस आंसर्स जो है वो होने चाहिए. तो आप ऑफिशियल आंसर की से मैच कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा. तो ये ऑफिशियल आंसर की में आपको करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है. हम कह रहे हैं ए में पी एस है तो इट इज़ पी एस. बी में हम पी क्यू आर को रिलेट कर रहे हैं सो पी क्यू आर एंड टी. अब इसमें कुछ छूट गया था हमारा, देखिए तो ये हमारा बी के अंदर ओ टू फॉर्मेशन, सॉरी ये ओ टू फॉर्मेशन यहाँ पे हमने किया है बट मैं यहाँ पे मिस आउट कर गया था. तो ये जो है तो ऐसी मिस्टेक देखिए हो सकती है, तो ये टू बी वेरी अलर्ट है ना, एक 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 चेक करना है यहाँ पे. तो मैंने सॉल्व कर लिया है इसको लेकिन आंसर की में मार्क करते समय मिस्टेक हो गया है. तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि भाई क्या क्या हमने कंसिडर किया है. सो सी ऑप्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो पी एंड क्यू, सो दैट इज़ पी एंड क्यू. और डी ऑप्शन के लिए ओनली पी, और वो हमें ओनली पी यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल मार्किंग आंसर इन ORS. ऑप्टिकल रेस्पॉन्स सीट के अंदर जो आप आंसर मार्क करते हो, अब तो ऑनलाइन है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे क्या टिक करना है, टिक बॉक्स जो है चेक बॉक्स चेक कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग. तो देखिए एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन हमें बनाना है, तो देखिए ए ऑप्शन से भी नाइट्रोजन बनेगा लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास में मॉइस्चर की इम्प्योरिटीज़ रह सकती है. बी ऑप्शन से नाइट्रोजन बनेगा ही नहीं, लोअर टेम्परेचर पर हीट करने से ये जो है हमारे पास में, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो रिएक्शंस मेंशन कर देता हूँ. तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि क्या है यहाँ पे वाई एक्स्ट्रा प्योर तो अमोनिया को अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज होकर के ये जो है ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा NO. तो यहाँ पे एक साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है वो तो एक वाटर की इम्प्योरिटीज़ होगी और अमोनिया ऑक्सीजन से जब ऑक्सीडाइज होता है तो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ इसमें NO की भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है. जैसे हम उसमें ऑस्टवॉल्स प्रोसेस में पढ़ते हैं कि अमोनिया को कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो देर इज़ अ लिटिल बिट चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO. तो दैट मे बी द इम्प्योरिटी और मॉइस्चर जो है वो इम्प्योरिटी रहेगा ही रहेगा. अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे लोअर टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर पर हीट करने से N2O प्रोड्यूस होगा और हायर टेम्परेचर पर अगर इसको हम हीट करें N2O प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर बन जाएगा. हायर टेम्परेचर पर अगर हम हीट करेंगे और ये टेम्परेचर नॉर्मली हमारा हायर का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस और लोअर का मतलब लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये N2O जो बना है वो स्प्लिट हो जाएगा N2 और O2 के अंदर. तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास में ऑक्सीजन की इम्प्योरिटीज़ रहेगी, वाटर इम्प्योरिटी है, ये मॉइस्चर है और उसमें तो N2 बन ही नहीं रहा है. अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम देखते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट N2 प्रोड्यूस होगा. ऑल दी अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन ऑन हीटिंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अमोनियम सॉल्ट हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन ऑन हीटिंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस. तो इसको भी अगर आप हीट करेंगे तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन बनेगा लेकिन इसके साथ में भी वाटर वेपर जो है वो इम्प्योरिटी की तरह रहेगा. और लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है बेरियम एजाइड. So azide salts are used to prepare ultra pure, extra pure nitrogen gas. तो यहाँ पे देखिए कोई भी अदर स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है और ये जो भी हमारे पास में बेरियम प्रोड्यूस हो रहा है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर जाएगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. ये अगर कोई ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा. ये जो भी बन रहे हैं साथ में ये दोनों जो हैं वो अगर CO2 अगर है तो उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा यहाँ पे. तो इस रिएक्शन के अंदर जो है पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्रा प्योर
नाइट्रोजन के बनने के. सो दैट्स व्हाई वी प्रिफर एजाइड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस. तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अगेन. ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ Ni2+ विथ क्लोराइड साइनाइड एंड वाटर. तो जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि निकल के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जो ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल आयन है तो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. फर्स्ट थिंग, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयन अगर है तो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर अटेंड होता है. एनायनिक लिगेंड्स के साथ लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और न्यूट्रल लिगेंड के साथ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर अटेंड होता है. ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एनायनिक लिगेंड्स के साथ भी जनरली लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स के साथ जनरली हायर कोऑर्डिनेशन नंबर अटेंड होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो पहले तो चार्ज को बैलेंस करते रहेगा, उसके बाद में एक्सेस में चार्ज आ जाएगा तो उस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट एक्सेस ऑफ एनायनिक लिगेंड को लेकर के हम हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी अटेंड कर सकते हैं. बट सिंपल सा जो रूल है वो ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, न्यूट्रल लिगेंड हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, एनायनिक लिगेंड लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर. तो निकल के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्लोरो और साइनो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं और एक्वा कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होता है. तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है निकल का वो वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए टेट्राहेड्रल हो जाएगा और साइनो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो ये ऑक्ट्राहेड्रल ही रहेगा. तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्ट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्ट्राहेड्रल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अंदर हमें नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसीटेराइट. कैसीटेराइट जो है वो बेसिकली टिन का ऑक्साइड है. सो SnO2 टिन है. अब यहां से हमें जो है इसका एक्सट्रैक्शन करना है तो इसमें क्या होगा. तो देखिए तो डायरेक्टली ऑक्साइड की फॉर्म में ही है तो इसमें हमें रिडक्शन तो डायरेक्टली करना ही होगा. लेकिन कैसीटेराइट एक ओर है तो उसके अंदर अदर इम्प्योरिटीज़ भी होंगी तो इन इम्प्योरिटीज़ को भी हमें रिमूव करना होगा. तो टिन के साथ जो है बेसिकली आयरन की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, लेड की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, ये इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर टिन के साथ एग्जिस्ट करती है. और टिन जो है मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था जिंक आयरन टिन लेड इनके लिए हम कार्बन रिडक्शन मेथड जो है प्रेफर कर सकते हैं. तो एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसीटेराइट इन्वॉल्व्स कार्बन रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड ओर, करेक्ट. सेल्फ रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, इसका सल्फाइड ओर होता ही नहीं है. रिमूवल ऑफ कॉपर इम्प्योरिटीज, टिन के साथ कॉपर की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, टिन के साथ आयरन की इम्प्योरिटीज़ होती है. सो रिमूवल ऑफ आयरन इम्प्योरिटीज़, ये बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा था कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो SiO2 ऐड करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा. तो ए और डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं. ए एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसका क्वेश्चन भी हमें नज़र आ रहा है. तो एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं इस पैराग्राफ का. सो व्हेन अ मेटल रॉड एम इज डिप्ड इनटू एन एक्वस कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एन. तो ये हमारे पास में कोई भी एक एम मेटल है, इसको हमने एक कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एन, द सॉल्यूशन टर्न्स टू लाइट ब्लू. सॉल्यूशन टर्न्स टू लाइट ब्लू. एडिशन ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड टू द ब्लू सॉल्यूशन. एक्वस सोडियम क्लोराइड इसके अंदर हमने ऐड कर दिया तो ब्लू सॉल्यूशन गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ओ. एक कंपाउंड ओ का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया. एडिशन ऑफ एक्वस NH3, एडिशन ऑफ एक्वस NH3
dissolves O and gives an intense blue solution. ठीक है, dissolves O and gives intense blue solution. तो O जो है हमारा dissolve हो गया है और intense blue solution obtained हो गया है. Metal को एक colorless concentrated solution में dip किया तो light blue color का solution हो गया. तो किसी metal को किसी के solution में drop करने से अगर light blue color solution अगर आता है तो इसका मतलब वो copper metal हो सकता है. अगर अमोनिया है तो कॉपर मेटल हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ और भी हो सकता है. तो यहाँ पे जस्ट हम ठीक है रैंडमली कुछ भी नहीं कहते, पहले चेक कर लेते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं. तो ये देखिए हमारे पास में जो है मेटल रॉड एम जो है वो क्या क्या हो सकता है. आयरन को अगर हम देखेंगे तो आयरन जो है यहाँ पे अगर सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, कॉपर होगा तो उनको डिस्प्लेस कर सकता है. ये कलरलेस सॉल्यूशन है हमारे पास में, कोई कलरलेस सॉल्यूशन अगर होगा तो ये किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर सकता है. मेटल रॉड एम जो है, आयरन अगर होगा तो क्या क्या हो सकता है, कॉपर होगा तो क्या होगा, निकल होगा तो क्या होगा, कोबाल्ट होगा तो क्या होगा, ये हम चेक कर लेते हैं. कि देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में ये मेटल अगर एम है, ठीक है, कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला तो ये यहाँ पे कोई भी अगर मेटल होगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे. तो आयरन का तो सॉल्यूशन ये जो कलरेशन होगा ड्यू टू द मेटल आयन, ड्यू टू आयन ऑफ मेटल एम. तो आयरन का कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर का नहीं होगा. निकल का कोई भी सॉल्यूशन ब्लू कलर का नहीं होगा. कोबाल्ट टू प्लस के सॉल्यूशंस ब्लू कलर के हो सकते हैं, कॉपर के सॉल्यूशंस ब्लू कलर के हो सकते हैं. तो यहां पे जो है हमें ये कॉपर और कोबाल्ट में से कोई एक नजर आ रहा है. तो यहां पे ये कॉपर और कोबाल्ट में से अगर हम चेक करते हैं तो अगेन यहाँ पे सपोज ये कॉपर और कोबाल्ट को अगर हमने ले लिया तो ये यहाँ पे हमारे पास में Cu H2O होल 4 2 प्लस टाइप का बन जाएगा. और ये कोबाल्ट को भी अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो है हमारे पास में एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 2 प्लस स्टेट के अंदर. तो कोबाल्ट का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो पिंक कलर का होगा प्लस 2 स्टेट के अंदर. आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में वेरियस कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है. तो प्लस टू स्टेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि ये हमारा जो है पिंक कलर का होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है यहाँ पे. तो ये जो है कोबाल्ट तो यहाँ पे पिंकिश कलर का जो है हमें प्लस टू स्टेट में नज़र आएगा, प्लस थ्री स्टेट में इसका डिफरेंट कलर हो जाएगा. तो ये इस मेटल रॉड एम के अंदर कॉपर नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लाइट ब्लू कलर. और फिर वेरीफाई भी हो जाएगा, देखो हम चेक कर लेते हैं, तो इसलिए इसको रूल आउट कर देंगे. अब यहाँ पे NaCl अगर हम डालेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट आ गया. अब ये वाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा हमें चेक करना होगा. ठीक है, और उसके अंदर वो वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा अमोनिया के अंदर. इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो क्या बनेगा, ये तो ये अलग अलग देख सकते हैं. अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये हमारे पास में जो है सब सॉल्यूशंस क्या है, कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका होगा उस पर भी डिपेंड करेगा. ये इंटेंस ब्लू कलरेशन जो है वो डेफिनेटली Cu NH3 होल 4 2 प्लस की फॉर्म में होगा. क्लोराइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है उसको देख लेते हैं. इसका आंसर तो बी हमें मिल ही गया. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं तो ये कह रहा है कंपाउंड एन इज, कंपाउंड एन जो है वो क्या हो सकता है, ये यहाँ पे मेन पार्ट है. तो देखिए अगर हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अगर लिया तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में अगर ऐड करेंगे और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सारा का सारा सिल्वर नाइट्रेट तो रिड्यूस नहीं होगा. यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के अंदर हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा और साथ में मेटलिक सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत सिल्वर नाइट्रेट भी प्रेजेंट रहेगा. तो अब NaCl जब आप डालोगे तो ये जो NaCl है वो इस अनयूज सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा
और वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो AgCl का बना देगा। AgCl का जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और जो हमारे पास में ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देगा व्हेन वे डिसॉल्व इन अमोनिया। जिंक नाइट्रेट को अगर हम देखेंगे तो ये कॉपर तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कोबाल्ट भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कॉपर एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर जो है लेड को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो ऑप्शन नज़र आ रहा है ए। अदर मेटल्स को अगर भी आप देखोगे, जैसे वापस अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आयरन भी एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, आयरन भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये आयरन एटलीस्ट जो है वो एल्यूमिनियम और जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो है कंपाउंड एन के लिए है वो सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये ऑफिशियल आंसर में भी हम सिल्वर नाइट्रेट देख रहे हैं। फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स, जो फाइनल सॉल्यूशन है हमारे पास में, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक तो ये होगा। अब जैसे हमने कहा कि ये AgCl होगा, NH3 के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो है वो डाइअमीन सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, डाइअमीन सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट रहेंगे, तो डाइअमीन सिल्वर 1 आयन एंड टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन। तो ये ऑप्शन सी में गिवन है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ Br2 विद सोडियम कार्बोनेट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ये हमने क्लास 11th में भी इस क्वेश्चन को लिया होगा इन स्टोइकोमेट्री रेडॉक्स रिएक्शंस के हिसाब से। तो इट्स वेरी इजी, ब्रोमीन जो है एल्कली के कांटेक्ट में आएगा, क्लोरीन जो है एल्कली के कांटेक्ट में आएगा, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रिएक्शन है वो NaBrO3 एंड CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो सारा ऑक्सीजन जो है वो सोडियम कार्बोनेट से ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रोमीन 0 से -1 स्टेट में चला गया और 0 से +5 स्टेट में चला गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन ही होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली 5 ब्रोमाइड आयन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के गेन से एक सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन के गेन से 5 ब्रोमाइड आयन बनेंगे। तो टोटल ब्रोमीन दैट अपियर ऑन प्रोडक्ट साइड इज 6, तो ये 3Br2 रिक्वायर्ड होगा ही होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स सोडियम कार्बोनेट ही है, सो होल ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस, बट सोडियम यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम ये 3 सोडियम ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3Co2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, सो देर आर 5 सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो इसका आंसर हमारा सिंपल सा 5 आंसर नज़र आ रहा है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से। ये 2011 के पेपर्स आ गए हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट यू नो Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4 होता है, एंड Fe3O4 बेसिकली एक मिक्सचर होगा हमारे पास में FeO एंड Fe2O3 का, ठीक है, इन 2:1 रेशो, सॉरी इन 1:1 रेशो, नॉट 2:2, तो 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पर जो सारा का सारा आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो आयरन है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, तो ओनली +2 इन हेमेटाइट एंड +2 as well as +3 इन मैग्नेटाइट। तो 3 इन हेमेटाइट, क्योंकि इट इज फेरिक नॉट फेरस, सो इट्स जस्ट ग्रेट मिस्टेक। सो 3 इन हेमेटाइट एंड 2 और 3 इन मैग्नेटाइट, सो इट्स फेरिक ऑक्साइड नॉट फेरस ऑक्साइड, हेमेटाइट इज फेरिक ऑक्साइड। आई हैव रिटन करेक्ट फॉर्मूला बट इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल
marking your answer. So you can also make such type of mistakes. So it's a learning for you. So answer for this question is comes out to be D. So official answer is also D. Among the following complexes K2P, the diamagnetic complexes. So yahan par aap electronic configuration likh karke aur jo ligands ki nature hai usko dekh karke bata sakte ho ki ye complexes diamagnetic honge ya paramagnetic complex honge, check kar sakte ho. To dekhiye yahan pe hum dekh lete hain ki hamare paas mein jo hai kon kon se complexes kis type ke honge. तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में आयरन है ये आयरन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो आयरन होगा हमारा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो आयरन होगा वो 3d5 हो जाएगा और 3d5 का मतलब है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो सकते हैं तो इसलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा तो इसलिए इसको हमें कंसिडर नहीं करना है. दिस इज़ नॉट डायमैग्नेटिक, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक बिकॉज D5 है. नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमारे पास में ये कोबाल्ट जो है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया. कोबाल्ट होता है 3d7 4s2 और यहाँ से हमें तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेने हैं तो ये 3d6 रह जाएगा. सिक्स इलेक्ट्रॉन, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोबाल्ट यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे तो ये हमारे पास में एक जो है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा. और सेम थिंग यहाँ पे यही कोबाल्ट है, सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो ये भी जो है हमारा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नाउ निकल यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और निकल D8 है, ऑक्टाहेड्रल है तो निकल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता है तो ये जो है यहाँ पे N इंक्लूड नहीं होगा, इट इज़ पैरामैग्नेटिक. और वाटर वैसे भी यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है और D8 भी है यहाँ पे, निकल का D8. नाउ ये अगेन जो प्लेटिनम आ गया हमारे पास में प्लस टू के अंदर, रिमेंबर मैंने बताया था कि ऑल दी कॉम्प्लेक्सेज ऑफ PT2+ PD2+ AU3+ और RH ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इनवेरिएबली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं और PT2+ और PD2+ के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज होंगे तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा. और जिंक का यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d10 होगा कॉन्फिग्रेशन और वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज यहाँ पे नज़र आ जाएंगे. तो डायमैग्नेटिक जो हमें नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 नज़र आ रहे हैं बट यहाँ पे 1, 2, 3 से नहीं करना है. एक तो हमारा ये जो डायमैग्नेटिक है वो कौन सा हो गया, एल डायमैग्नेटिक हो गया तो ये एल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है. दूसरा हमारा डायमैग्नेटिक इसका नेबर एम डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी नज़र आ रहा है हमें. फिर हमारे पास में ओ डायमैग्नेटिक है, ओ डायमैग्नेटिक यहाँ आ गया और पी डायमैग्नेटिक है, पी डायमैग्नेटिक यहाँ आ गया. तो ऑप्शन सी इसका मुझे करेक्ट नज़र आ रहा है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ Mn2+ Ni2+ Cu2+ एंड Hg2+ आयंस इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन. एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास में सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स हैं इन्हीं का प्रेसिपिटेशन हो सकता है. तो सेकेंड ग्रुप के अंदर कॉपर और मरकरी के कैटाइंस ही आए, मैंगनीज और निकल के जो है फोर्थ ग्रुप के अंदर आ जाएंगे. सो ओनली कॉपर सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड कैन बी प्रेसिपिटेटेड, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस परमैग्नेट आयन इन्वॉल्व्स. तो एक्वस परमैग्नेट आयन है मतलब Kmno4- है, MnO4- आयन है और इसका रिडक्शन है तो उसका रिडक्शन तीन अलग अलग कंडीशन में कर सकते हो और तीनों कंडीशन के अंदर हम कहेंगे. सो Mno4- एसिडिक मीडियम में अगर है हमारे पास में एसिडिक कंडीशन तो ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा ऑक्सीजन वाटर की तरह एलिमिनेट हो जाएगा. अगर ये हमारे पास में न्यूट्रल कंडीशन में या फिर वीकली एल्कलाइन कंडीशन, वीकली एल्कलाइन तो ये MnO2 में कन्वर्ट होगा और MnO2 में कन्वर्ट जब होगा तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, साथ में कुछ अदर स्पीसीज भी बन जाएगी, बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ उसको.
OH माइनस की टर्म्स में आ जाएगा, और स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम अगर है तो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके MnO4 टू माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिडक्शन परमैग्नेटाइन, एक्वस परमैग्नेटाइन का रिडक्शन जब हम करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, नो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कलाइन मीडियम, यस वीकली अल्कलाइन मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, ये न्यूट्रल मीडियम में करेक्ट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कलाइन मीडियम, वो भी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन हो सकता है, एंड बी और डी में से सिर्फ डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए सी डी इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम कॉपर 1 का है इन एक्वस मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। यू नो वेरी वेल क्यूप्रस इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, नेकेड क्यूप्रस आइन डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वस मीडियम। तो इसको स्टेबलाइज अगर हमें करना है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग टाइप का सब्सटेंस जो है इसके साथ हमें अटैच करना होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग टाइप का जो है वो सूडो हैलाइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हैलाइड्स और सूडो हैलाइड्स हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। सो इन एक्वस मीडियम है 25 डिग्री सेल्सियस, इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो इसका मतलब कॉपर प्लस वन स्टेट में स्टेबलाइज करना है। तो कॉपर प्लस वन स्टेट में स्टेबलाइज होगा इन हैलाइड्स, इन सूडो हैलाइड्स। सूडो हैलाइड्स बेसिकली साइनाइड, थायोसाइनाइड, एजाइड, ये सारे जो है सूडो हैलाइड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो नाइट्रेट्स में तो प्लस वन स्टेट में ऑक्सीडाइज नहीं, ये स्टेबल नहीं रहेगा, हैलाइड्स के अंदर और सूडो हैलाइड्स के अंदर स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो ये क्लोरो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, थायोसाइनो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, साइनो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इससे ये इस प्लस वन स्टेट के अंदर रिड्यूस्ड रह सकता है। तो ये बी सी डी इसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन रिएक्ट विद PCl5 टू गिव POCl3 इज। नाउ PCl5 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं और POCl3 बनना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर हम देखेंगे तो ये एक कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है कि PCl5 को POCl3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी भी ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये सिंपल सा कुछ हाइड्रोलिसिस टाइप काम कर सकते हैं कि भाई इसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया, दो HCl बाहर चले गए और ये आ गया। तो वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये एक टाइप की, मेरे हिसाब से लुइस एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए, लुइस एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये हमारे पास में जो है PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीनेटिंग एजेंट अगर होगा तो ये हमारे पास में SOCl2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, CO2 के साथ इतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। सो SO2 आ जाएगा, H2O आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा और P4O10 जो आ जाएगा, ये सारे क्लोरीनेटिंग इसके साथ रिएक्ट करके, सो वाटर H2SO4, P4O10 एंड SO2 के पास जो सल्फर है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से लुइस एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो ब्रिज वाला ऑक्सीजन है वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे OH वाला जो ऑक्सीजन है वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पे, सो 1, 2, 3, 4 इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अलग अलग स्पीसीज बन जाएगी, जैसे इसमें बाहर निकल जाएगा SO2, Cl2, जिसमें भी O है या जिसमें भी डबल बॉन्डेड O है उसके साथ रिएक्शन इजीली स्टार्ट हो सकती है। तो बेटर चॉइस यहां पे जो है वो ये इस टाइप की जो हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी। तो PCl5 को अगर हम SO2 के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये POCl3 प्लस SO2 Cl2, तो ये रिएक्शन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा एयर की फॉर्म में। तो
तो ये डायरेक्टली रिएक्शन थोड़ा मुश्किल से हो जाएगा क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन बाहर से आएगा, तो इसलिए SO2 को हम रूल आउट कर देते हैं। इससे बेटर जो है हमारा CO2 हो जाएगा। CO2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 की, तो ये जो जैसे मैंने पहले ही बताया था नॉन रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन हमें कंसिडर करनी है, तो ये POCl3 हो जाएगा और ये COCl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचते हो कि ये SOCl2 हम बना लेते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल से रिएक्शन होगी क्योंकि ऑक्सीजन इतना इजीली डिस्प्लेस्ड नहीं हो पाएगा। बट ये ज़्यादा बेटर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, POCl3 और COCl2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये SO2 के बदले में हम यहाँ पे CO2 को प्रेफर करेंगे। O2 इन एनी वे बिल्कुल भी नहीं होगा, H2O डेफिनेटली होगा, H2SO4 भी होगा, P4O10 भी होगा। अब CO2 और SO2 में से हमें चूज करना है, तो SO2 Cl2 ज़्यादा स्टेबल बन रहा है लेकिन वो बन नहीं सकता, एक एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो CO2 बेटर रहेगा, सो CO2, H2O, H2SO4 एंड P4O10, ये फोर करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो ये आंसर इन एनी वे फोर है। अब कौन से फोर है ये यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। तो ये जो फोर हमने सेलेक्ट किए यहाँ पे, मैं वापस बता देता हूँ कि कौन से फोर हमने सेलेक्ट किए। तो मैंने यहाँ पे ये जो है रूल आउट कर दिया है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें नॉन रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन के बारे में ही सोचना है। तो ये जो है ऑक्सीजन हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। CO2 हम ले सकते हैं यहाँ पे, SO2 में भी एक रिडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी तो इसलिए उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आराम से इजीली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी, इसमें भी OH है, इसमें भी OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आप करते हो कि किसी OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो OH हट करके Cl लग जाता है, तो वही आइडिया मैंने लिया है। और किसी के पास में अगर डबल बॉन्डेड O है और वो रिएक्ट कर सकता है, तो ये 1, 2, 3, 4 हमने चेक किए हैं, इसका ऑफिशियल आंसर 4 ही आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम H2O5 ClCl2 एज सिल्वर क्लोराइड इज क्लोज टू। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा है वो आयोनाइजेबल होगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, बट वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होनी नहीं है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, क्रोमियम H2O5 Cl Cl2, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये 2 moles AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये जो दोनों Cl है वो आयोनाइजेबल Cl है, इसको बैलेंस कर लेंगे, प्लस जो भी हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं वो ये कॉम्प्लेक्स H2O5 Cl N2NO2 whole twice, ये प्रेसिपिटेट आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ इन ml हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में देखिए जितने भी मोल्स इसके होंगे उसका 2 moles सिल्वर नाइट्रेट के रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके मोल्स हम देख लेते हैं 0.01 × 30/1000 मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स साइन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के जितने भी मोल्स होंगे इसका 2 moles जो हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स होंगे, सो मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा 0.1 × वॉल्यूम इन ml बाय 1000। तो अब आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, तो ये 1000 हमारा चला गया, और वॉल्यूम इन ml के लिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 2 × 0.01 × 30/0.1। तो ये क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमें 6 ml जो है हमारा वॉल्यूम नज़र आना चाहिए। तो ये हमने 2011 तक के बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 2012 एंड ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन विथ मी, हैव ए नाइस डे।